तो दोस्तों मैं सोच रहा हूँ एक नया इंट्रो बनाते हैं अपने चैनल के लिए, तो कैसा रहेगा? कुछ इस तरह से या फिर कुछ इस तरह से? नहीं मजा नहीं आ रहा, कोई नहीं, आपको बनाना सिखा देता हूँ मैं। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि कैसे मैंने सिंपल सी वीडियो को एक अच्छा ब्रुकलिन 99 स्टाइल में कर दिया। जैसे कि आपने वीडियोस देखी होंगी, ब्रुकलिन 99 का जो इंट्रो है वैसा मैंने बना दिया। तो अगर आप भी चाहते हैं अपनी वीडियोस के लिए ऐसा कुछ इंट्रो बनाना या फिर इस चीज़ को अपनी वीडियोस में ट्राई करना, और आप कंफ्यूज है कि आपको पता नहीं कैसे करना है, तो आप सही वीडियो पे पहुंच चुके हैं। आज हम एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में इस इंट्रो को बनाएंगे, इस चीज़ को बनाएंगे, और बहुत ही आसानी से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि इस चीज़ को आप कैसे बना सकते हैं अपनी वीडियोस के लिए। सो हेलो नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है बी टेक पर। मैं हूं बी, और आज हम बात करने जा रहे हैं कि ब्रुकलिन 99 इंट्रो को आफ्टर इफेक्ट्स में कैसे बनाए स्टेप बाय स्टेप। So let's check it out. तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने आफ्टर इफेक्ट्स खोल लिया है, और अब हम इस क्लिप को उठाकर हमारे न्यू कॉम्पोजिशन बनाएंगे। और न्यू कॉम्पोजिशन को मैंने स्केल डाउन कर लिया है और क्रॉप कर लिया है वो वाला पार्ट जो मुझे चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से मुझे पार्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पर ऑल्ट लेफ्ट ब्रैकेट प्रेस करूँगा ताकि वो वहाँ से क्रॉप हो जाए, और उसके बाद उसे स्लाइड करके आगे की तरफ स्टार्टिंग की तरफ ले आऊँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने क्रॉप कर लिया है, और ये वाला मुझे पार्ट चाहिए अपने कॉम्पोजिशन में। बाकी वाला वीडियो पार्ट एक्स्ट्रा था जो थोड़े बहुत कट शॉट्स होते हैं, तो वो मैंने निकाल दिए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने पूरा शॉट तैयार कर लिया है कि मुझे यहाँ पर फ्रेम चाहिए। तो यहाँ पर मैं इस लेयर को डुप्लीकेट करूँगा और वही ऑल्ट लेफ्ट ब्रैकेट पर प्रेस करके यहाँ पर इसको भी क्रॉप कर लूँगा। यहाँ से क्रॉप करने के बाद नीचे वाली लेयर को, जो हमारी ओरिजिनल लेयर थी, उसको यहाँ तक ले आऊँगा, और जो हमारी जो हमने डुप्लीकेट लेयर करी है उसका जो हमें राइट क्लिक करके टाइम में जाके उसके अंदर फ्रीज फ्रेम करूँगा ताकि ये वाला फ्रेम फ्रीज हो जाए इसके अंदर। तो उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे ये कॉम्पोजिशन मिल गई है, और इसे मैं स्केल अप करूँगा। मीन्स तो आपने उसमें देखा होगा हल्का सा ब्रुकलिन 99 इंट्रो में पहले एक बार जूम होता है, फिर सेकंड टाइम जूम होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट जूम हम यहाँ पर तैयार करेंगे, और इसको मैं थोड़ा एडजस्ट करूँगा, और ये मैंने अपना पहला जूम तैयार कर लिया है। अब 5-6 फ्रेम्स के बाद लाइक कंट्रोल राइट पर क्लिक करेंगे, और 5 फ्रेम्स के बाद जाऊँगा, और उसके बाद मैं जो है इसको भी डुप्लीकेट करके वैसे आउट लेफ्ट ब्रैकेट और नीचे वाली लेयर को यहाँ तक कट कर देंगे, और इसमें भी राइट क्लिक करके टाइम फ्रीज करूँगा, और इसको भी स्केल अप कर दूँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो इससे क्या होगा, 2 बार जूम हो जाएगा और हमारा टाइम भी फ्रीज हो जाएगा। अब जो ये लास्ट लेयर थी हमारी थर्ड, इसको भी हमें क्रॉप करना है, और क्रॉप करने के बाद इसमें से मुझे खुद को मास्क आउट करना है। तो मास्क के लिए मैं पेन टूल पर क्लिक करूँगा, और पेन टूल पर क्लिक करने के बाद मैं मास्क अपने आप को मास्क आउट करूँगा। तो ये बात ज़रूर याद रखें कि लेयर को आप डुप्लीकेट कर ले मास्क करने से पहले, वरना आपको दोबारा मास्किंग करनी पड़ेगी, और मास्किंग थोड़ी लॉन्ग प्रोसीजर है, तो इसलिए इसमें भी मैंने फटाफट फास्टन करके आपको मास्किंग दिखा दी है। तो मास्किंग में हम थोड़े मास्क के फैदर एडजस्ट करेंगे, फैदर थोड़ा बहुत आगे पीछे, मास्किंग का एक्सपेंशन थोड़ा बहुत आगे पीछे, ताकि हमारी जो साइड्स है प्रॉपर लगे, बिल्कुल अजीब सी ना लगे, लाइक नेचुरल लगे। तो हम मास्किंग का फैदर और मास्किंग एक्सपेंशन दोनों को एडजस्ट करेंगे, और उसके बाद हमारे नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलेंगे। और उसके बाद हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर हम जाएंगे लेयर न्यू और शेप लेयर बनाएंगे, और यहाँ पर जो शेप लेयर है उसके अंदर ऐड करके हम वहाँ पर रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे। अब रेक्टेंगल के अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस में जाना है, और साइज़ में हमें लिंक वाले पे जो हमारी चेन बनी हुई है इस पर क्लिक कर देना है, ताकि हम लेंथ और ब्रेथ दोनों को अपने हिसाब से आगे पीछे कर सके। अगर आप उसे क्लिक कर नहीं करोगे तो लेंथ और ब्रेंथ दोनों प्रोपोर्शनली इंक्रीज़ करेगी। तो हमें इतना लॉन्ग बना देना है ताकि हम इसे रोटेट करें तो भी हमारे फ्रेम में रहे, और लॉन्ग बनाने के बाद इसे हम ऐड पे क्लिक करके फिल पे क्लिक करना है।
फिल पे क्लिक करने के बाद इसमें ब्लू कलर रख लेता हूँ मैं। ब्लू कलर रख के इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे, थोड़ा रोटेट करेंगे, स्केल अप करेंगे, स्केल तो नहीं करेंगे खैर, पोजीशन चेंज करेंगे अपने अकॉर्डिंग, और इसको हमारी जो मास्क वाली लेयर थी उसके नीचे ले आएंगे, क्योंकि हमें इस लेयर को उसके नीचे ही चाहिए ताकि हमारा जो इफेक्ट है, जो हमें रिक्वायर्ड फाइनल आउटपुट है, हमारा वही आए। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये लेयर आ चुकी है। अब इसके बाद हम न्यू लेयर पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे और सॉलिड बनाएंगे, और इसमें जो कलर है वो हल्का सा डार्क रखेंगे, क्योंकि डार्क रखने से थोड़ा डिफरेंस भी आना चाहिए। अब यहाँ पर इस पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक में ब्लेंडिंग मोड्स में जाकर सॉफ्ट लाइट कर देंगे, ताकि बैकग्राउंड हमारा थोड़ा ब्लू स्टोन में लगे, हमारा जो वो वाली थीम है। अब जैसा कि आप देख सकते हो ब्रुकलिन 99 वाली थीम यहाँ पर आने लगी है। तो अब हमें क्या जाना है, यहाँ पर बैकग्राउंड को भी थोड़ा ब्लर करना है, तो इससे नीचे वाले लेयर को सेलेक्ट करेंगे और इफेक्ट्स में ब्लर एंड शार्पन में गॉशियन ब्लर सेलेक्ट करके इसके अंदर अराउंड 20-21 के अराउंड मैंने ब्लर सेट कर दिया। आप अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग ब्लर सेट कर सकते हो। तो ब्लर करने के बाद आप जैसा कि देख सकते हो हमारा बेसिक चीज़ तैयार हो गया है। तो अब हम यहाँ पर टेक्स्ट डालना है, टेक्स्ट डालेंगे हम यहाँ पर बी टेक, तो बी लिख देते हैं, टेक लिख देते हैं। टेक को जो है मुझे बार के साथ कंबाइन करना है, तो टेक के अंदर तो राइट साइड पर आप देखेंगे ये स्वायरल सा है थोड़ा, तो हमें लिखने के बाद एंकर पॉइंट सेंटर में कर देंगे, रोटेट करेंगे, स्केल अप करेंगे, स्केल डाउन करेंगे। एडजस्टमेंट्स पूरी करने के बाद एंकर पॉइंट को आप सेंटर में ज़रूर कर दें, क्योंकि उससे रोटेशन वगैरह इजी हो जाती है, वरना वियर्ड से रोटेशन होती है। अगर आप वो भी करना चाहो तो एंकर पॉइंट को आप वैसे ही छोड़ सकते हो, वो आपकी इच्छा है, आपको जैसे सूटेबल लगे। तो अब यहाँ पर हम जो है टैग को बार के अंदर डालेंगे, जो हमने ब्लू बार सेट करा था, और बी को बार के ऊपर। अब इनको सेट करने के बाद, हमारी पोजिशन करने के बाद, टैग के अंदर जो आप देख सकते हो यहाँ पर स्पायरल सा डिज़ाइन बना हुआ है, इस पर प्रेस करके और प्रेस एंड होल्ड करेंगे और हमारी जो शेप लेयर थी उस पर ले जाकर छोड़ देंगे। उससे क्या होगा, हमारी ये पेरेंट बन जाएगा, हमारी जो शेप लेयर थी पेरेंट बनने के बाद इन दोनों को एक साथ हम मूव कर सकते हैं और एनिमेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एनिमेशन हमारी सेट हो गई है। अब क्या, हमें जो टैक वाली लेयर थी उसको उठाकर पोजीशंस में जाना है, पोजीशंस में की फ्रेम सेट करना है। हमारा जो फर्स्ट की फ्रेम सेट हो गया, अब जाएंगे अराउंड 7 या 8 की फ्रेम्स ठीक रहेंगे, 7 या 8 की फ्रेम्स आगे जाने के बाद वहां पर इसे एक और की फ्रेम डालें और फर्स्ट फ्रेम में वापसी आके इसको पूरा डायगनली बाहर निकालें। ये बात ध्यान रखें कि डायगनली बाहर निकालें, जिस लाइन में अब आपका रेक्टेंगल है उसी लाइन के अकॉर्डिंग इसे बाहर निकालते हुए चले जाए। बाहर निकालने के बाद आपकी एनिमेशन कुछ इस तरह से दिखेगी, और एनिमेशन के बाद अब हमें जो है बी को भी करना है, तो बी जो है हमारा अलग स्टाइल से आएगा, डायगनली करके हमारा स्क्रीन में नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, बी को फर्स्ट फ्रेम में सबसे बड़ा रखना है और अराउंड 5th फ्रेम में मैं इसे एक्चुअल साइज पे ले आता हूँ। तो ये हमारी एनिमेशन होगी। अब यहाँ पर हम इनको ऑन कर देंगे ताकि मोशन ब्लर ऑन हो जाए। यू नो मोशन ब्लर से काफ़ी अच्छा इफेक्ट आता है कि ये मूविंग ऑब्जेक्ट है। तो मूविंग ऑब्जेक्ट आने के बाद हमारी जो बेसिक एनिमेशन है वो हो गई है। अब हमें क्या करना है कि थोड़ा और नेचुरल दिखाने के लिए थोड़ी हम यहाँ पर एक और सॉलिड बनाएंगे, लेयर में जाकर न्यू सॉलिड बनाने के बाद उसे अपनी स्क्रीन से बहुत बड़ा कर देंगे, और स्क्रीन से बहुत बड़ा करने के बाद उसके अंदर मास्क बनाएंगे, मास्क डालेंगे और उसका फैदर जो है बहुत बढ़ा देंगे। फैदर बनाने से वो कलर जो है हल्का सा मिक्स होता हुआ नज़र आएगा, तो उसके ऊपर हमारा जो एक फिल्टर टाइप होता है हमारी स्क्रीन के ऊपर, एक फ़िल्टर वाली थोड़ी इफेक्ट आ जाएगा, जिसे आप एक साइड रख सकते हो। मेरे यहाँ पर एक ही साइड बहुत है, क्योंकि वरना ज़्यादा ब्लू हो जाएगा, मुझे वो पसंद नहीं है, तो मैंने एक साइड ही रखा है इसे। आप चारों साइड पर एडजस्ट कर सकते हो, जो येलो वाला मैंने बनाया था सेकंड वाला उसमें मैंने चारों साइड पर लगाया था, तो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। और इस एनिमेशन को आप रेंडर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ यूज़ करें, इंट्रो बनाएं, आप म्यूज़िक डाउनलोड कर सकते हो। यूट्यूब पर बहुत सारा नॉन कॉपीराइटेड म्यूज़िक अवेलेबल है, जिसे आप डाउनलोड करके यहाँ पर लगा सकते हो, और इस वीडियो को आप अपना इंट्रो भी सेट कर सकते हो अपने वीडियोज़ में अपने यूट्यूब चैनल के लिए। देखा कितना आसान था, सिर्फ कुछ सिंपल स्टेप्स थे और हो गया काम। तो अगर आपने इसको ट्राई कराया तो ज़रूर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताया कि कितना इजी था और आपको ये करने में मज़ा आया कि नहीं। और अगर आपको मज़ा आया और ये इफेक्ट आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और ऐसी और आफ्टर इफेक्ट्स की टिप्स के लिए, क्योंकि मैं ये नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें आफ्टर इफेक्ट्स और प्रीमियर प्रो और कभी कभी फोटोशॉप के बारे में बताऊंगा, कि जो बिगिनर यूट्यूबर्स है उन्हें नहीं पता, मेरे को तो काफ़ी टाइम हो गया। तो ये मैंने नई सीरीज स्टार्ट की है, अगर आप बिगिनर यूट्यूबर है और आपको पता नहीं कि जो नए नए जो एडिटिंग इफेक्ट्स होते हैं, वीडियो इफेक्ट्स होते हैं, एडोबी यूज़ करते हो आप, एडोबी प्रीमियर, एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स, और आप सोच रहे हो कि ये सब कैसे यूज़ करना है, तो इस सीरीज को फॉलो करें और धीरे धीरे आपको टिप्स मिलती जाएंगी। मैं कोशिश करूंगा कि हफ्ते में 2 से 3 वीडियो डालूं टिप्स की,
और आपको एडिटिंग स्किल्स भी इससे काफी इंक्रीज होंगे। लाइक अगर आप कोई नई टिप है उसे जरूर ट्राई करें, तो आप इन टिप्स को यूज करके काफी अच्छे एडिटिंग स्किल्स गेन कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सब करना है तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ उस बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए जैसे मैं कोई नई वीडियो को अपलोड करूँ। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।